उत्तराखंड के नैनीताल में रविवार रात स्कूल बस 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 24 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मरने वालों में 5 महिला स्टाफ और एक बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि हादसा कालाडूंगी रोड पर नालिनी के पास करीब 8 बजे हुआ। हरियाणा के हिसार के शाहपुर गांव स्थित न्यू मानव इंटरनेशनल स्कूल के 34 लोग शनिवार को नैनीताल घूमने आए थे, तभी बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। शाम को एक सूचना हम लोगों को मिली थी कि एक बस मंगोली के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये हरियाणा से कोई शिक्षकों का एक ग्रुप था जो घूमने के लिए आए हुए थे, तो वहाँ जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है वो मूव कराई गई थी। तुरंत एम्बुलेंसेस भी हम लोगों ने काफ़ी पर्याप्त संख्या में वहाँ मूव कराई थी। सारे प्रशासन, पुलिस और SDRF की टीमें लगी हुई थी। अभी लगभग जो 20-22 लोग हैं वो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल आ गए हैं, जिनको कुछ लोगों को गंभीर चोट भी है, कुछ लोग नॉर्मल जिनको थोड़ी बहुत चोट लगी है, तो सभी को प्राथमिक उपचार भी दे दिया गया है यहाँ पर, और फर्दर आगे का जो ट्रीटमेंट होता है वो किया जा रहा है। अभी तक 7 कैजुअल्टीज़ की सूचना मिली है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल ही रहा है, तो फाइनल जो भी फिगर आएंगे वो दिया जाएगा। अभी घायलों से मैं भी मिली हूँ, यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं मेडिकल कॉलेज के, तो सभी डॉक्टर्स को भी और प्रिंसिपल को भी हमने यही निर्देश दिए हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है घायलों को वो प्रोवाइड कराया जाए। यदि कोई ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि इनको कहीं हायर सेंटर रेफर करने का किसी को ज़रूरत महसूस होती हो, तो टाइमली उसका डिसीजन लेकर इन्फॉर्म करा जाए ताकि उसकी व्यवस्था कराए। आज नैनीताल के मंगोली क्षेत्र में एक स्कूल बस के गिरने की सूचना आई थी, लेकिन बाद में जब हमारी रेस्क्यू टीम यहाँ पहुँची तो पता लगा कि स्कूल की बस नहीं, स्कूल के टीचर थे और ये नैनीताल घूमने आए थे, यहाँ से हरियाणा हिसार के लिए वापस जा रहे थे। वापस जाते टाइम ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसमें 30-32 लोग बताए जा रहे हैं, इनमें से 25 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है, बाकी जो लोग हैं उनके रेस्क्यू का कार्य चल रहा है। यहाँ SDRF की, लोकल पुलिस की टीमें, स्थानीय जो हमारी डिजास्टर की टीम है वो सारी टीमें हैं, और अगले आधे घंटे में रेस्क्यू कम्प्लीट कर लिया जाएगा। अब तक इसमें जो रेस्क्यू है उसमें एक